हे गाइस महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो ये मेरी बिटिया नहा कर कितना सारा पाउडर लगाई है और मैं भी आज नहा वहा कर तैयार हो गई हूँ। इयर रिंग नहीं पहना मैंने, इयर रिंग पहन लो। हाँ हम कहाँ जाएंगे, हम तो वीडियो बनाएंगे, रील्स बनाना है मुझे रील्स। देखो पापा कहाँ गए, देख क्या है नीचे, देख क्या जल्दी से नीचे जाकर देख क्या हो नीचे। देखो मेरा कपड़ा गिरा दी तुम, झूला हुआ उठाओ जल्दी से, उठा कर टांगो। देखो जमीन में लथरा रहा है, उठाओ फटाफट से उठाओ। सो गाइस मैं तैयार हो गई, अब चलो मुझे कहीं जाना है। मैंने अपनी बिटिया को नहीं बताया क्या नहीं नहीं गिराओ, नीचे गंदा हो जाएगा, धुला हुआ है ना। ए लड़का बाबू जा, देखो पापा कहीं गया है नीचे, दुकान में कोई नहीं, जाकर बैठो। चलो उसका झोला दबा कर क्या कर रहे हो लेके, पापा कहीं नहीं गया है। जा पापा गए ना, पापा गए, जा तुम जाके देखो पहले। मम्मी भी पार्सल लगाने गया है। अच्छा पार्सल लगाने गया है, क्यों बोल रही है कि पापा चले गए हैं, झूठ बोलती है तुम, झूठ बोलती है हमसे। क्यों झूठ बोलती है बताओ, क्यों झूठ बोलती है, झूठ क्यों बोलती है। चलो ऑटो जाओ, खेली खेली करो। तो चलिए मैं इयर रिंग भी पहन लूँ, इयर रिंग मैंने नहीं पहना है। हम दवाई खा लिए, दवाई नहीं बंद कर इसको, अभी मैं गिर जाती तुम लोग के चक्कर में। मेरा खजाना क्या है, क्या है ये, ये है मेरा खजाना, ये खजाना। अरे सब छुओ ना, कहीं घूमो घूमो जाते तब लगाते हैं। मत छुओ यार। सो मैंने इयर रिंग भी पहन लिया, आप देख सकते हो। अब चलूँ थोड़ा सा रील्स वगैरह बना लूँ, उसके बाद फिर कहीं जाना है, मैं आपको बताऊँगी थोड़े देर में। मैंने अपनी बेटी को नहीं बताया, बताऊँ तो रोने लगेगी ना, इसीलिए मैं जब निकलूँगी तो आपको बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ नहीं जा रही। तो मैं ये ड्रेस पहन कर तैयार हूँ, आप देख सकते हो पूरा लुक दिखाती हूँ। नन्हे ऐसे पकड़ो, पूरा लुक दिखाए ऐसे ऐसे। मैंने इसलिए पहना है क्योंकि ये पूरा ऐसा ड्रेस है, इसीलिए मैंने, ससुराल है तो ससुराल में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये थोड़ा वेस्टर्न ड्रेस है इसीलिए मैंने सिरक ऊपर से डाला हुआ है। तो चलिए मैं जाती हूँ, तो बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हे गाइस तो देखिए हम निकल चुके हैं घर से, अभी मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर उसे लेने के लिए, ऑटो लेकर रिजर्व करके ऑटो जा रही हूँ उसके घर, वहाँ से उससे पिक करूँगी, फिर हम लोग निकल पड़ेंगे। मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है और भाभी है उसकी, भाभी क्या हम लोग से छोटी है तो भाभी हुई, भाई की वाइफ तो भाभी ही होती है। तो हम जा रहे हैं उसे लेने के लिए उसके घर पे, और उसे यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे, जाएंगे जेजवी मॉल, हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने गए स्त्री टू। तो देखिए हम उसके घर पहुंच चुके हैं और वहाँ उसे ले लिया है, और वो लोग हम लोग तीनों बैठ गए हैं, निकल पड़े हैं। उन लोग का फेस नहीं दिखाया है क्योंकि वो लोग कैमरे में नहीं आएंगी, इसीलिए उन लोग का फेस धड़ का गर्दन काट दिया है, ऊपर से फेस नहीं दिखाया है। तो देखिए हम लोग निकल पड़े। अब मौसम देखिएगा इस, इतना सुहाना में मौसम भी हो गया था और झिमिल झिमिल बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। हम लोग का मॉल पहुँचते पहुँचते इतनी ज़ोरों की बारिश होने लगी थी गाइस, हम लोग भीग भीग के मॉल के अंदर दौड़ दौड़ के मॉल के अंदर पहुँचे फटाफट से, वहाँ पर ऑटो उतारा पूरा गेट के पास, और कितना सुंदर मॉल सजा हुआ था गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो ऊपर का जो उसका स्काई है, इतना अच्छा सजा हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था गाइस व्यू यहाँ मॉल का। बहुत ही मेरी तबीयत ख़राब जब से हुई है, समझ लीजिए डेंगू मुझे हुआ था, चिकनगुनिया हुआ था, डेंगू नहीं चिकनगुनिया मुझे हुआ था अक्टूबर से। तो अक्टूबर से हम बाहर कहीं घूमने नहीं गए थे, थोड़ा सा पिक वगैरह लिया हम लोगों ने वहाँ पर, और फिर वहाँ से निकल पड़े हम लोग ऊपर जाने के लिए अपना मूवी थिएटर की तरफ।
और मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करते हुए जा रही हूँ, बातें कर रही हूँ, मतलब वीडियो शूट करते हुए जा रही हूँ। आप देख सकते हो, और यहाँ मैं आपको अपना पर्स दिखा रही हूँ। ये नया पर्स मैंने लिया है, मंगवा लिया है कि ऑनलाइन मंगवाया, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। येलो कलर का पर्स है गाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और देखिए बारिश बाहर इतनी ज़ोरों की हो रही कि शीशे में पानी जब पड़ रहा है कितना क्यूट सुंदर लग रहा है। शीशे पानी लग रहा है कि मोती के बूंद पड़े हुए। और उसके बाद फिर हम लोग और ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर मूवी है, और मॉल में लाइट भी चली गई थी इसलिए ये सीढ़ी बंद हो गई थी, चलना इससे स्टॉप था। आप लोग चल के आए और ऊपर देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर। और फिर अंदर जाने के लिए हम लोग टिकट विकट दिखा के फिर अंदर पहुँच गए, आप देख सकते हो। और तब बच्चे अपना यहाँ पे 15 अगस्त के लिए पूरा सजाया गया था, अभी तक निघटा नहीं है। कितना सुंदर लग रहा है गाइस। अब वहाँ पे सब बच्चे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, मैंने भी फ़ोटो लिया था। उसके बाद फिर अपना वहाँ पे वीडियो वीडियो शूट किया। हाँ, ये पैदा मूवी है, ये भी 15 तारीख को रिलीज़ हुई थी, बट मैं ये मूवी देखने नहीं गई थी। मैं गई थी स्त्री 2 देखने के लिए, और बहुत ही मज़ा आया गाइस मूवी देखने में। मुझे तो बहुत ही अच्छी मूवी थी, कॉमेडी भी थी और थोड़ा सा डरावना भी था। आप देख सकते हो मैं चारों तरफ घूम घूम के अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये देखिए बगल में वेदा मूवी का, वेदा ही मूवी था ना कोई, हाँ वैसे ही था, वेदा ही था मूवी का ट्रेलर पोस्टर लगा हुआ था। और उसके बाद फिर हम लोग अंदर थिएटर पे जाने लगे, इतना भीड़ था कि क्या बताऊँ, एकदम थिएटर एकदम हाउसफुल था, एक भी सीट नहीं थी गाइस, क्या बताऊँ। बच्चे से लेके बूढ़े तक इस मूवी को देखने आए थे, इतनी अच्छी मूवी थी गाइस। देखिए सब अपने जगह पे आके सब बैठ रहे, एक भी सीट ऐसी नहीं थी जो खाली हो। हम लोग तो पहले आके अपना सीट अपने पर बैठ गए हैं। और फिर देखिए हमारी मूवी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये स्टार्टिंग का सीन गाइस इतना डरावना था कि एक बैग से धक सीना हो जाता, जैसे डर जाता इंसान वैसे हो गया था। फिर मैंने थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ का स्टार्टिंग सीन सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। बहुत ही अच्छी मूवी है गाइस, अगर आप लोगों को नहीं दिखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा, या फिर पेन ड्राइव मेरी आप लोग डाउनलोड करवा के देख सकते हो। और ये देखिए फिर इंटरवेल हो गया, हम बैठे हैं और बाकी के लोग गए थे पॉपकॉर्न वगैरह लेने, कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न लेकर आए, लेने गए थे। इतना भीड़ था कि बहुत ही देर हो गया था लाने में, और यहाँ इंटरवेल हुआ है और हम बैठ के इंटरवेल में अपना थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं कि कितना भीड़ है नहीं है। और फिर मूवी ख़त्म हो गई तो फिर हम लोग बाहर निकले, हम लोग बातें कर रहे थे कि हाँ मूवी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद बाहर निकलते ही बगल में एक कैफ़े था, उसमें हम लोग गए डिस्को कम कैफ़े, उसमें गए थोड़ा सा हम लोगों ने बैठा। और उसका इस अंदर का मतलब कि एम्बियंस इतना सुंदर था, और ये बाहर रूफ टॉप भी था, रूफ टॉप में आए हम लोगों ने थोड़ा सा पिक क्लिक किया, उसके बाद अंदर जाके बैठ गई। और यहाँ का जितनी आइटम थी गाइस बहुत महंगी थी। अब आ गए अंदर तो बाहर तो जाने ऐसे जाने में अच्छा नहीं लगता कि उठ के चले जाओ, इसीलिए हम लोग बैठे थे। बैठ कर फिर हम लोग क्या करें, तो हम लोगों ने ऑर्डर वहाँ पे कुछ ऑर्डर किया था। अभी तो फ़िलहाल बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बातचीत की हम लोगों ने। और फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया था वेज मंचूरियन ड्राई, यही मंचूरियन ड्राई गाइस 450 रुपये का था। हम लोगों क्या करें, बैठ गए तो वहाँ से बाहर निकल के आने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ वेज मंचूरियन मंगाया, वही खाया। लेकिन टेस्टी काफ़ी था गाइस, बहुत टेस्टी था, अच्छा बनाया था। अब मुझे ज़्यादा खाना नहीं था इसलिए मैंने 2 पीस सिर्फ बॉल लिया था। और वहाँ से फिर हम लोग वो अपना ख़त्म करके फिर पहुँचे दूसरे रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत कुछ खाया, मैंने थोड़ा सब कुछ खाया। ऐसे कि 3 महीने से जितना मैंने बाहर का खाना नहीं खाया था, आज समझ लीजिए पूरा हो गया था। लेकिन अब बस अब बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी, अब गई हूँ बाहर फ्रेंडों के साथ तो गाइस इतना तो बनता ही है गाइस। और फिर देखिए यहाँ पर हमारा आ गया है मसाला डोसा, और इतना बड़ा मसाला डोसा था गाइस, ये अकेले एक लोग खा नहीं पाएगा। उसके बाद फिर हमारे आए नूडल्स,
हम लोगों ने नूडल्स खाए और नूडल्स खाते खाते ही हम लोगों के सामने आके रख दिया गया इतना बड़ा बड़ा छोले भटूरे गाइस। हम लोगों ने तो पूरा ख़त्म भी नहीं किया और फिर वहाँ से खा पी के पार्सल लेकर हम लोग आ गए अपने घर। गाइस देखिए मैं अपने बच्चों के लिए बर्गर लाई हूँ और ये लोग बर्गर इंजॉय कर रहे हैं। कैसा है बर्गर? हाँ टेस्टी टेस्टी। हाँ कैसा है? टूटा टूटे हाथ से बोल रहा है। खाइए इंजॉय करिए खाइए। इन लोगों को खाने दीजिए, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मम्मा नहीं खा। तो गाइस मेरे बच्चों ने बर्गर वगैरह खा लिया है, अब हम थोड़ा सा लेटे हैं, फिर उठेंगे तब खाना बनाएंगे, खाना सब्जी बनाएंगे। मम्मा चॉकलेट। तुम्हारे दांत तोड़ देंगे, अभी एक तो चॉकलेट भी खा लिया है। दांत तोड़ेंगे ना तुम्हारा सही हो जाओगे। हाथ पकड़ लूँगा। कपड़ा भिगा दिए, इसे कपड़ा उतारे, अभी दूसरा कपड़ा पहनाऊंगी। हाथ धुलने गई थी, कपड़ा पूरा भिगा दिया। बड़ा मजा आया गाइस मूवी में, और मूवी बहुत अच्छी थी। हाँ ठीक है हम सुन रहे हैं, बात करें। मूवी काफ़ी अच्छी थी, कॉमेडी भी थी और थोड़ी सी हॉरर भी थी, लेकिन मूवी ऑल ओवरऑल फुल मिला के मूवी अभी अच्छी थी। और काफ़ी लोग गाइस बच्चे से लेके बूढ़े तक आए थे उस मूवी को देखने के लिए। मूवी बहुत ही जानदार थी, इसीलिए तो मैं गई थी मूवी देखने के लिए। स्ट्रीट टू गई थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी गाइस। उसकी रिव्यू पैसा वसूल मूवी है। हाँ मूवी बैठी लेटी हूँ, थोड़ा सा लेट के उठूँगी तब सब्जी बनाऊँगी। करीब 7:30 बजे 2 बजे गई थी, पौने 3 बजे का शो था, यहाँ से 2 बजे निकली थी। जाने में भी टाइम लगता है। हाँ मैं हॉस्पिटल गई थी ना, बर्गर वहाँ लगाया था, तो तुम्हारे लिए बर्गर लेके आई हूँ। ठीक है भैया के लिए नहीं लाए थे, मेरे लिए लाए थे। भैया से हमेशा 36 का आंकड़ा रखती है। हाँ भैया को थोड़ा सा दिए, बाकी तुमको दिए हैं। जल्दी अब थोड़ा सा रेस्ट करते, काफी बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया, इतना देर बैठे बैठे थोड़ा सा लेटेंगे। गाइस तो अभी मैं बना रही हूँ बीन्स की सब्जी। बीन्स काटकर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है लाल होने के लिए, आपको दिखाती हूँ। मैंने बीन्स काटकर कढ़ाई में तेल डाल को डाल दिया है, इसे थोड़ा सा लाल करके निकाल लूँगी, फिर इसे प्याज मसाले भूनूँगी। तो चलिए फटाफट तो जल्दी से बीन्स की सब्जी बना लेती हूँ। तो गाइस हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, अब हम लोग सोने जा रहे हैं। मैं तो नहीं खाई, मेरा पेट भरा था इससे खा लिया। उनसे मैंने दूध पिलाया भी नींद से उठा कर सो गई थी, ज़बरदस्ती उठा कर मोबाइल देकर दूध पिलाया है। मेरे हस्बैंड ने भी खाना खा लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। तो इस ब्लॉग को मैं आज यही एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ 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 ना भूले, और मेरे वीडियोज़ को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब कर, बाय बाय।